सरकार आना जाना तो काम है, आज आप है कल वो रहेंगे। आप जो हार गए हैं तो उसका बदला मत लीजिए कोलकाता से, कोलकाता के लोग जो आपको हरा दिए तो आप इसका बदला अभिषेक दा से लेने चाह रहे। पब्लिक का दिल में बैठता और आप तो पब्लिक का सर पे डांडिया करते हैं, तो पब्लिक तो आपको उतारे। हमारे पश्चिम बंगाल को तो देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि पश्चिम बंगाल को उपेक्षित रखेंगे। मोदी जी आप हमारे जो पश्चिम बंगाल को आप ऐसा परेशान मत करिए, हम लोग बंगाल को थोड़ा अच्छा नजर से देखिए। मोदी जी को बोलिए ये फतवा बंद करने कि कोलकाता में हिंदू परेशान है मुसलमान, ये सब फतवा है। आप हिंदू को और मुसलमान को आप परेशान कर रहे हैं, 100/100 करते धर्म की राजनीति, जातिवाद में पूरा बांट दिया देश को। वो तो हम लोगों को भीख नहीं दे रहा है ना, भीख तो नहीं, हम लोग तो भीख नहीं चाह रहा है। हम तो हमारा जो काम किया है उसका पैसा मांगने आया है, क्यों नहीं देगा हम लोगों को पैसा? सब स्टेट में देता है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ये क्यों है? नमस्कार, मैं हूं नूर जहां और इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पे। यहां आप देख सकते हैं कि जनता पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ है और यहां पे पश्चिम बंगाल से बहुत लोग आए हैं और यहीं पर ममता बनर्जी का अभी प्रोग्राम होने वाला है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं को लेकर हम बात करेंगे कि यहाँ आए 100 दिन का पैसा मोदी नहीं दे रहा है गरीब आदमी का। 2 साल से बहुत लोग गरीब परेशान है, अभी से एकदा बहुत लेटर चिट्ठी भी दी है लेकिन वो नहीं सुन रहे। 2 साल से ज़्यादा हो गया गरीब आदमी वहाँ बहुत भूखा परेशान है, इसलिए अभी से एकदा बोला वो लोग परेशान तो हम भी, हमारी दीदी हम लोग को सबको लेके चलती है, सबको हम लोग साथ चलती है, इसलिए वो सबके दुख और तकलीफ समझती है। जितने लोग आए हुए सब 100 दिन के हाजिरी वाले, सबको 100 दिन का पैसा नहीं मिल सक रहा, इसलिए बहुत परेशान है। सबको लेके आए हम लोग कोलकाता से यहाँ, और मोदी जी से बोला जा रहा है कि दे दीजिए, और कोई आप हम लोग को देखिए कोई बात नहीं है। रहेगी कि सरकार आना जाना तो काम है, आज आप है कल वो रहेंगे। आप जो हार गए हैं तो उसका बदला मत लीजिए कोलकाता से, कोलकाता के लोग जो आपको हरा दिए तो आप इसका बदला अभिषेक दा से लेने चाह रहे, वो गलत है। वो तो पब्लिक का दिल में, अभिषेक दा पब्लिक का दिल में बैठता और आप तो पब्लिक का सर पे डांडिया करते हैं, तो पब्लिक तो आपको उतारेगा, यही बात। लेकिन कोलकाता में अभी भी तो पूरे दंगे हो रहे हैं। कहाँ दंगे हो रहे हैं? अभी हो रहे हैं। नहीं दंगे हो रहे, जैसे मणिपुर में हुए, कलकत्ता में नहीं। अभी दंगा भी कम है, अभी सब चीज कम हुआ है। तृणमूल जो है आजकल घर का जन जन का दिल में बसा हुआ है। आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सारे लेडीज खुश है, सबको सब कुछ दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मोदी सरकार भी तो दे रही है ना? नहीं, मोदी सरकार तो दे रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के पास जो बचा है वो चीज 100 दिन का पैसा नहीं मिला है। वो 100 दिन का पैसा नहीं मिलेगा, गरीब कहाँ जाएगा? गरीब आज मतलब जो पैसा मिलना चाहिए, आवास योजना है, 100 दिन का काम है, ये पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा? राज्य केंद्रों को भी देखना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने तो विकास कराया ना, अगर वो पश्चिम बंगाल में आती है तो विकास उसमें कोई हम लोग को शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल को तो देखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पश्चिम बंगाल को उपेक्षित रखेंगे, पश्चिम बंगाल को देखना चाहिए, पश्चिम बंगाल के साथ अच्छा काम करना चाहिए। आज इतना कल कारखाना बंद हो गया, इरा सारे चीज बंद हो गया, ये सब पराजित हो गया। अगर केंद्र थोड़ा हेल्प करे तो हमारे पश्चिम बंगाल फिर से सोने का बन जाएगा, वो सोने का बन जाएगा। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन से शुरू करके सारे पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ है। पहले इंडिया का राजधानी कोलकाता ही हुआ करता था, अभी तो दिल्ली है, लेकिन कोलकाता से ही सब कुछ शुरू हुआ है। स्वाधीनता आंदोलन से शुरू करके आज इतना सारे कुछ देने के बावजूद भी कोलकाता उपेक्षित क्यों रहेगा? ये चीज जो है, ये चीज सहन के बाहर है। हम लोग मोदी जी से गुहार लगाते हैं, हम लोग मोदी जी से गुहार लगाते हैं, मोदी जी आप हमारे जो पश्चिम बंगाल को आप ऐसा परेशान मत करिए, हम लोग बंगाल को थोड़ा अच्छा नजर से देखिए। बंगाल आपको हमेशा देखेगा, बंगाल ऐसा नहीं है, बंगाल आपको चाहता है, लेकिन बंगाल को आपको भी चाहना पड़ेगा। आपको हम लोग ही लेके आए हैं, सबको ही लेके आए हैं। आज अगर आप नहीं देखेंगे तो बंगाल उपेक्षित रहेगा। पहले बंगाली देखिए, पूरा दुनिया में बंगाली छाए हुए हैं।
कहाँ नहीं है बंगाली। अगर मोदी जी आपके परेशानियों का हल नहीं निकालेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हम लोग ये चाहिए कि हम लोग केंद्र और राज्यों को सहयोग से हम लोगों को सब कुछ बनेगा। आज केंद्र और राज्य सहयोग नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये चाहिए, मोदी जी से गुहार लगाते हैं कि मोदी जी आप हमारे कोलकाता वाले को देखिए, केंद्र और राज्य को 100 दिन का पैसा और आवास योजना जो है इसका पैसा बकाया है इसको दीजिए। ये हमारा सबसे बड़ी निवेदन है। हम आपसे मोदी जी को बोलिए ये फतवा बंद करने कि कोलकाता में हिंदू परेशान है मुसलमान, ये सब फतवा है। कोलकाता में हिंदू मुसलमान सब भाई भाई है। हम लोग दुर्गा पूजा मनाते, वो लोग हम लोग के साथ ईद मनाते। मोदी जी को बोलिए थोड़ा प्लीज ये काम नहीं करने कि हिंदू हर परेशान है, हर जगह कोई परेशान नहीं है। आप हिंदू को और मुसलमान को आप परेशान कर रहे हैं और कोई नहीं परेशान। मतलब आपको लग रहा है जो मोदी जी हैं वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं? हाँ हाँ, धर्म की राजनीति करते हैं, एकदम ही 100% करते हैं धर्म की राजनीति। जातिवाद में पूरा बांट दिया देश को, जातिवाद में अभी क्या लग रहा है, जातिवाद कौन खत्म करेगा? हम लोग गांधीवाद तरीके से ही तो आंदोलन कर रहे हैं, गांधीवाद तरीके से ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग का 100 दिन का पैसा ड्यू है, अगर जब तक 100 दिन का पैसा नहीं मिलेगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। इस बार भी हम लोग का बहुत बड़ा आंदोलन था लेकिन वहाँ हम लोग को परमिशन नहीं मिला, इसलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं। ट्रेन हम लोग का बंद किया गया, हम लोग का फ्लाइट बंद किया गया। चलने वाला है आपका ये अभी तो आज ही है, लेकिन ये जब तक हम लोगों को ये हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक भी पूरा नहीं हो हम लोग लड़ते रहेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पूरा जनसैलाब जुड़ा हुआ है। हरे राम सिंह जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल से कई लोग आए हुए हैं, तो उन्हीं को लेके हम बातचीत करेंगे। तो आप लोग पश्चिम बंगाल से आए, यहाँ पे आपकी क्या आने की जो है मतलब क्या आने का वो है? हमारी मांगे जो है केंद्र में जो सरकार है हमारी जो जायज मांग है वो पूरा नहीं कर रही है। हम लोग का उधर का जो 100 दिन में काम करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनका जो सैलरीज जो है जो जायज़ जो पैसा है और भी बहुत सारे पैसा हमारे केंद्र के सरकार ने रोक कर रखे हैं। और बंगाल की ओर केंद्र का जो रवैया है वो स्टेप मदर जैसा है, तो उसका प्रोटेस्ट के लिए हमारे प्रिय सांसद जी श्री अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग सब आए हैं बंगाल। तो आपका जो प्रोग्राम है कब तक चलेगा? ये तो 1 से लेकर 5:30 तक का प्रोग्राम है, उसके बाद फिर जो पार्टी का जो हम लोगों का लीडरशिप है वहाँ से अगर कोई फिर ऑर्डर आएगा तो हम लोग फिर रहेंगे हम लोग के साथ। लेकिन जो बिहार में जैसे कि जातिवाद पर जो जनगणना हुई है उसको लेके आप क्या? जो बिहार में जातिवाद पर जनगणना हुई है उसको लेके आप क्या? बिहार में जो जातिवाद का जो कल जो जनगणना जो सामने आए हैं हम लोग भी ये चाहते हैं कि जो हमारे पिछड़े वर्ग है या अति पिछड़े जो वर्ग है उन लोगों का भी सेम नज़रिए से देखा जाए और उन लोगों का भी सब सुविधा उन लोगों को मिले और वो लोग भी एकदम सामने आए। हमें मैम जो आप पश्चिम बंगाल से आई हैं यहाँ पे आपको क्या मांगे लेके आई हैं आप? हम ये दाबी हमारा ये दाबी है पश्चिम बंगाल से हमारा जो मनरेगा का जो काम माने 100 दिन का जो काम है उसका पैसा 2 साल से बाकी है, इसलिए हम लोग आज एकत्रित हुआ है कि हम लोगों का पैसा ड्यू है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आप ये मोदी जी से मांगते हैं? मोदी जी से मांगना है। अगर मोदी जी आपकी बात नहीं सुनेंगे तो? वो तो हम लोगों को भीख नहीं दे रहा है ना, भीख तो नहीं, हम लोग तो भीख नहीं चाह रहा है। हम तो हमारा जो काम किया है उसका पैसा मांगने आया है, क्यों नहीं देगा हम लोगों को पैसा? सब स्टेट में देता है, सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए ये क्यों है, यही हम लोगों को जानना है। जो मतलब जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में तो अभी भी पूरा वो चल रहा है, वहाँ पे दंगे हो रहे हैं। कहाँ? पश्चिम बंगाल में कोई दंगा नहीं है। हम लोगों का मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, हम लोगों का सर्वभारतीय साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी, हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति से रह रहा है। कौन बोला आप लोगों को पश्चिम बंगाल में दंगा है? हम लोग भाई बहन एकत्रित तो होकर सबा एक साथ रहता है। हम लोगों का पश्चिम बंगाल जैसा शांति का जाएगा कोई जाएगा नहीं है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल से कई सारे लोग आए हुए हैं और जो मोदी जी से मांग कर रहे हैं, जो उनका पैसा भी नहीं दिया है उनको वापस करें, और इनका ये प्रोग्राम अभी आज चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जनसैलाब उभरा हुआ है जंतर मंतर पर। पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आई हुई है, तो देखते हैं आगे इनका क्या चाहेगा।